आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आधी रात में हुआ शपथ ग्रहण, प्रमोद सावंत अब गोवा के नए मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। मध्य प्रदेश के 29 नाम तय करेंगे अमित शाह, 7 सिंगल और बाकी पर पैनल दिल्ली भेजे। कमलनाथ पर गोपाल भार्गव की टिप्पणी, तुम 6,000 रुपए की एक बोतल शराब पी जाते हो लेकिन गरीब किसान के लिए 6,000 रुपए बहुत होता है। बीजेपी नेता बाबूलाल गौर का बयान, दिग्विजय लड़े भोपाल से चुनाव तो उन्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और अक्षय नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अक्षय ने कहा पॉलिटिक्स मेरा एजेंडा नहीं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत अब राज्य के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं। सोमवार देर रात 2 बजे उन्होंने गोवा राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाई। नव नियुक्त सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे सभी सहयोगियों के साथ मिलकर स्थिरता से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, अधूरे कामों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं मनोहर पारिकर जी के जितना काम नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितना संभव हो सके काम करने की कोशिश करूंगा। एमजीपी के मनोहर अजगावंकर, बीजेपी के मेविन विश्वजीत राणे, मिलिंद नायक और नीलेश कैबरल, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विनोद और जयेश और निर्दलीय विधायक रोहन खेतान, विनोद गावड़े ने भी राजभवन में राज्य कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई सहित 11 नेताओं ने भी राजभवन में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं इसे हर संभव तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मनोहर पारिकर जी की वजह से हूँ, वे ही मुझे राजनीति में लाए थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलकर को डिप्टी सीएम बनाया गया है। भाजपा ने स्पीकर प्रमोद सावंत को सीएम बनाने का फैसला किया था और इस पर सहयोगी दलों के साथ रजामंदी हो गई थी। बदले में दोनों प्रमुख सहयोगी दलों जीएफपी के सरदेसाई और एमजीपी के धवलकर को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले राज्य विधानसभा में विपक्ष की नेता चंद्रकांत कवलेकर ने पार्टी के सभी 14 विधायकों के साथ राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले शुक्रवार और रविवार को भी कांग्रेस ने भाजपा सरकार के अल्पमत में आने का दावा करते हुए कांग्रेस का दावा पेश किया था। कांग्रेस सबसे बड़े दल के नाते सरकार बनाने का दावा कर रही थी। हाँ, डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळतले अशे कसले गजाल आसूं मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी काम यथायोगे निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव ह्या खेरीज व्यक्तीक अथवा व्यक्तिकांक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान पळोवचो ना वा ताजे लागी उक्तो करचो ना। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर नाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। मध्य प्रदेश चुनाव समिति ने 7 सीटों के लिए सिंगल नाम और शेष 22 के लिए पैनल दिल्ली भेजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने को लेकर भोपाल में भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सभी 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है। अब प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह प्रदेश चुनाव समिति में जिन दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई है उनकी सूची लेकर दिल्ली जाएंगे, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय चुनाव समिति इस सूची के आधार पर 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी। बैठक में 7 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति बनी है, वहीं बाकी सीटों पर नामों का भेजा जाएगा। बैठक है, उसमें सभी 29 सीटों पर विचार विमर्श होगा।
और चुनाव समिति केंद्र के लिए अपने रिकमेंडेशन करेगी। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तब टिकट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए आज प्राथमिक एक्सरसाइज है, इसमें किसी के कटने और जुड़ने का सवाल नहीं है। सर्वंकश विचार हुआ, जो नाम प्रस्तावित हुए हैं के बारे में विचार कर चर्चा हुई। अभी नामों की सूची बनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करने के लिए जैसे निमंत्रण आएगा, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना होंगे और निर्णय दिल्ली में होगा। इससे पहले प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए सुबह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर अनिल जैन और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत विशेष विमान से भोपाल पहुंचे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश भाजपा और संगठन से जुड़े कई आला नेता बैठक में मौजूद रहे। पूरे प्रदेश से टिकट के दावेदारों ने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यालय के बाहर डेरा जमाया हुआ है। इस बीच राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के खिलाफ कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने नागर को दोबारा टिकट दिए जाने का विरोध किया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के निशाने पर इस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। किसानों के मसले पर कमलनाथ पर वार करते हुए गोपाल भार्गव ने कहा, 6000 रुपए की तुम एक बोतल शराब पी लेते हो, तुम्हारे लिए इसका महत्व नहीं है, लेकिन गरीब किसान के लिए 6000 रुपए बहुत होता है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को घूम फिर के शराबी करार दिया है। पथरिया में गोपाल भार्गव बीजेपी नेताओं और स्थानीय किसानों को संबोधित कर रहे थे। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नाथ थे। गरीब किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपए दिए जाने के मसले पर भार्गव ने कहा, 6000 रुपए की तुम एक बोतल शराब पी जाते हो, तुम्हारे लिए इसका महत्व ही नहीं है, लेकिन उस किसान से पूछो जो दिन भर खेत की मेड़ पर बैठा रहता है। अरे 6000 रुपया कमलनाथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आधा एकड़ का जो हमारा किसान है, नगले के कछवारे में लगाने वाली फसल सब्जी फूल बेचने वाला जो किसान है, उसके लिए मालूम होगा कि वास्तव में 6000 रुपया क्या होगा। 6000 रुपए की तुम एक बोतल शराब पी जाते हो, तुम्हारे लिए 6000 का महत्व नहीं है, लेकिन 6000 रुपए का महत्व उसके लिए है जो खेत की मेहनत पर 24 घंटे बैठा बैठा ये देखता रहता है कि कहीं फसल की नुकसान नहीं होता। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब तक केंद्र सरकार के 6000 रुपए किसानों को मिले इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया है, जिस कारण कमलनाथ गोपाल भार्गव के निशाने पर है। लेकिन गोपाल भार्गव का यह बयान प्रदेश की राजनीति को भड़का सकता है। राजनेताओं को बिना पुख्ता प्रमाण के इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। बीजेपी नेता बाबूलाल गौर ने कहा कि दिग्विजय सिंह के लिए भोपाल सीट आसान नहीं होगी, उन्हें लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भी भोपाल या इंदौर से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह की जब भोपाल से चर्चा चली तो बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने भी इस पर चुटकी ली और कहा, भोपाल दिग्विजय सिंह के लिए आसान नहीं होगा, उन्हें लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ना, वहाँ पराक्रम दिखाए ना, भोपाल से जीत की बताए, मान पड़ जाए। मेरी तरफ से पार्टी की वजह, पार्टी व्यक्ति मेरा किसी से कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुत गहरी है। यहाँ बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ चुके हैं, सुरेश पचौरी जी लड़ चुके हैं, और भी कई राष्ट्रीय नेता फिल्म एक्टर लड़ चुके हैं, फिल्म एक्टर हैं वो, उनके शर्मिल टैगोर के पति बाप साहब वो हार गए। भोपाल से जितना लोहे के चने चबाना है दिग्विजय सिंह साहब, भूल के आप बन जाना। बाबूलाल गौर इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने साफ कहा कि भोपाल में बीजेपी संगठन की जड़ें बहुत गहरी हैं और लोकसभा चुनाव भोपाल में कांग्रेस के लिए बहुत कठिन होगा। अब से पहले भी कांग्रेस ने कई दिग्गज मैदान में उतारे और वे भी सभी हारे हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी नजदीकियां हैं। इसके बावजूद अक्षय ने साफ कह दिया है कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अक्षय ने कहा, पॉलिटिक्स मेरा एजेंडा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने का क्रम शुरू हो गया है। कई पार्टियां प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी हैं। इस बीच बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने साफ कह दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से नजदीकियों के चलते चर्चा थी कि अक्षय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अक्षय ने साफ कह दिया है कि पॉलिटिक्स मेरा एजेंडा नहीं है। बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग ने अपना शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने शहर के दो बड़े कारोबारियों के संस्थानों पर छापामार कार्रवाई की। दोनों व्यापारी सर्राफा का कारोबार करते हैं। शहर के व्यापारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आयकर विभाग की टीम दो सर्राफा व्यापारियों के संस्थानों में छापा मारने पहुंची। यह कार्यवाही मदन लाल जी पारक के महावीर ज्वेलर्स व जयेश संघाड़ी के जे महेंद्र कांत ज्वेलर्स और साथ ही मंडी व्यवसायी श्याम सोमानी के संस्थान में हुई। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इन प्रतिष्ठानों में दस्तावेज खंगाले। इस छापे को आयकर की बड़ी चोरी से जोड़कर देखा जा रहा है। आयकर के सर्वे के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, यह बात सच साबित की पुलिस आरक्षक हरिओम बैस ने। बेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात में घूमने आई एक महिला पैर फिसलने से तेज बहाव में जा गिरी। देर ना करते हुए आरक्षक हरिओम बैस ने भी तेज बहाव पानी में छलांग लगा दी और पुलिस आरक्षक की जाबाजी से महिला की जान बच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात में घूमने आई 50 वर्षीय महिला के पैर फिसलने की वजह से वह तेज बहाव में जा गिरी। तभी भेड़ाघाट थाने में तैनात एक आरक्षक ने साथियों के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए छलांग लगा दी और महिला की जान बचा ली। महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। महिला छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रहने वाली लक्ष्मीबाई है, जो करीब 50 लोगों की जत्थी के साथ घूमने आई थी। लक्ष्मीबाई की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मैं एक महिला नहाते वक्त पैर फिसलने से धुआंधार पे गिर गई। जैसे धुआंधार पे गिरी तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। मेरी नज़र जैसे ही पड़ी तो मैंने 2-4 तैराक लेके जल्दी से धुआंधार में छलांग लगाया। छलांग लगा के नीचे उतरा। नीचे उतर के महिला को जैसे तैसे तैर के पकड़े। पकड़ने के बाद मैं उसको बाहर निकाले। इससे पूछने पर ये इन्होंने बताया कि हम 50 लोग का जत्था छत्तीसगढ़ कवर्धा से रामेश्वरम एक महीने के टूर पर गए थे, जो रामेश्वरम से वापसी समय ने बेड़ाघाट घूम कर नहा धो के अपने घर छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जे महिला का पैर फिसलने से धुआंधार में गिर गई। नगर निगम ने संत हिरदाराम नगर में औचक निरीक्षण कर दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों से निगम ने काफी मात्रा में पॉलिथीन भी बरामद की।
संत हिरदाराम नगर में नगर निगम ने पॉलिथिन व लाइसेंस की जांच करने के लिए निरीक्षण किया गया, जिसमें कई दुकानों से करीब 16 किलो पॉलिथिन जब्त की गई। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस रिन्यूअल नहीं थे, उनसे अधिभार शुल्क सहित चालानी कार्यवाही भी की गई। चंचल चौराहा, पुरानी सब्जी मंडी रोड, मिनी मार्केट, मुख्य मार्ग सहित अंदरूनी इलाके में निगम ने कार्यवाही की। जो लाइसेंस जिनके पास में इशू नहीं किए गए हैं, मार्च का महीना चल रहा है और अभी तक जिन्होंने लाइसेंस जारी नहीं करवाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनसे लाइसेंस शुल्क अधिभार सहित जो है वसूली जा रही है, एवं नियमित रूप से जो कार्रवाई की जाती है पॉलीथिन प्रतिबंधित है, पॉलीथिन पर पॉलीथिन का उपयोग करने पर उनसे जुर्माना किया जा रहा है, स्पॉट नहीं किया जा रहा है और पॉलीथिन जब्त की जा रही है। अभी 17 लोगों पर कार्रवाई की जा रही की गई है, जिसमें 7,800 रुपये की वसूली की गई है। पूर्व में भी सूचना हर बार हमारे कर्मचारी बार बार डोर टू डोर और दुकान पर जाते हैं और लाइसेंस चेक करते हैं, परंतु अभी लाइसेंस नहीं है, हम दुकान बंद कर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, ये सूचना रहती है और सभी को ये बात पता है कि व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका एक लाइसेंस जारी होता है नगर निगम से, तो नॉमिनल का शुल्क है वो जमा करके लाइसेंस जारी करवा तो दुकान पर चस्पा करें, जिससे भी उन्हें भी आसुविधा हो और हमारे नगर निगम कर्मचारी भी जब चेक करने आते तो उनको दिखाया जा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा विकास मॉडल में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार का पैसा लगा हुआ है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख का। शेख जबलपुर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के महाकौशल कार्यालय में भाजपा की संभागीय मीडिया कार्यशाला में शामिल होने आए बीजेपी के प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व भाजपा सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को अपने नामों पर प्रस्तुत कर रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी प्रदेश की जनता को नहीं लेने दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रशिक्षण बैठकें आपसी संवाद चलता रहता है, इसलिए हम लोग जो प्रांत में काम करते हैं उसमें नीचे तक के हमारे जो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं आप लोगों से रास्ता रखते हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत है यहाँ पर क्या विषय है, किन विषयों की जानकारी उन तक पहुँचना है। केंद्र सरकार की लगातार बहुत सारी उपलब्धियाँ जिनको जनता तक पहुँचाना है, मध्य प्रदेश सरकार की भी जितने समय पे अभी सरकार इनकी रही 80 दिन के ज़्यादा करीब सरकार रही तो सिर्फ नाकामियों भरी सरकार रही। एक ही मामले में ये सिर्फ कामयाब रहे कि इन्होंने अपना पुराना तबादला उद्योग वापस फल फूल दिया, तो इसको लेकर सारी बातचीत थी, आपसी एक संवाद का कार्यक्रम है और ये हमारे बीच निरंतर होता है, चुनाव आने के समय भी होता है, चुनाव नहीं होते तब भी होता है। शेख ने कहा कमलनाथ सरकार की वजह से केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का फायदा प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रहा है, प्रदेश में जितने कार्य किए जा रहे हैं वह पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार के ही कार्य हैं, जिन्हें कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना बता रहे हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद।
देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर से बाइक पर कोचिंग के लिए निकले भाई बहन को तेल के टैंकर ने टक्कर मार दी। टैंकर से टक्कर इतनी खतरनाक थी कि भाई सक्षम तिवारी की मौके पर मौत हो गई और बहन साक्षी गंभीर रूप से घायल है। हरदुआ निवासी इंद्रेश तिवारी के बेटे सक्षम तिवारी 15 वर्ष और बेटी साक्षी तिवारी 17 वर्ष बाइक में सवार होकर कोचिंग जा रहे थे। भैरम बाबा मोड़ के पास तेज रफ्तार पेट्रोल के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्र की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हुई है और हादसे के बाद टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया जिस कारण टैंकर से पेट्रोल रिसने लगा। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल छात्रा को उपचार के लिए संजय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। संभवतः पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट लेकर के जा रहा था। उसके द्वारा एक भाई और बहन स्कूटी पे, बहन ने शायद भाई को वहां पे छोड़ा है और उसके बाद रोड क्रॉस करने के अंतर्गत या उसके पहले एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि जो बच्चा है, लड़का है, उसकी डेथ हुई है। सक्षम नाम का बच्चा है और बच्ची को भी कुछ चोटें आई हैं जो एडमिट है अभी। इसके बाद घटना के बाद कुछ लोकल लोगों ने वहाँ पे रोड को जाम करके रखा हुआ है। कुछ उनके डिमांड्स हैं स्पीड ब्रेकर्स बनाने को लेकर के और कुछ अंडरपास ओवरब्रिज बनाने को लेकर के, तो उनसे लगातार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करके उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उनको कन्विंस किया जा रहा है। कई बार जरा सी चूक जानलेवा साबित हो जाती है। एक मासूम बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते ही तत्काल उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन बच्ची की मौत का कारण बना है। छतरपुर के बक्सवाहा में गलत इंजेक्शन लगने से 6 साल की मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम बच्ची नेहा के परिजनों का आरोप है कि वह अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर स्वास्थ्य केंद्र ले आए थे लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने उसे देखा और प्राइवेट कंपाउंडर बुलाकर उसे जैसे ही इंजेक्शन लगवाया वैसे ही उसकी मौत हो गई। लड़की गंभीर हालत में हमारे पास आई थी, उसको बिल्कुल नहीं हो पाई थी, डबल निमोनिया था, बस उसको दवाई लेकर इंजेक्शन लगा पाए, 10 मिनट खत्म हो गए। जैसा कि सर परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कंपाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाने पर बच्ची मृत हो गई। उनकी बच्ची राधा है, 6 वर्ष की उम्र है और उसको उल्टी वगैरह कुछ हो रही थी तो तत्काल वो हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं अहरवार साहब उनके क्लिनिक पे लाए और वहाँ उनके द्वारा दवा लिखी गई और वो दवा मेडिकल से लाई गई और उनके कंप्यूटर ब्रजेश का नाम आया है उसके द्वारा इंजेक्शन लगाया और 10-15 मिनट बाद बच्ची एक्सपायर हो गई। इस बात पर से हमारे यहाँ मर्ग क्रमांक 9/19 धारा 174 CRPC का दर्ज किया गया है और डॉक्टर की पैनल के द्वारा, चूँकि अब शाम का वक्त हो गया इस समय उपलब्ध नहीं है, प्रातः उनका PM कराया जाएगा। जो भी उस PM में आएगा कि डॉक्टर की निगलिजेंसी से या दवाई से उसकी मृत्यु हुई है तो उस पर फिर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में मानवता उस समय शर्मसार हो गई जब मासूम के शव को थाने से चारपाई पर रखकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मासूम के शव को वाहन तक उपलब्ध नहीं हो पाया। पिछले कई दिनों से छतरपुर में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। अब चोरों ने विश्वनाथ मंदिर पर धावा बोला और वहां से सोने चांदी के आभूषण और दान पेटी चुरा ले गए। ये घटना सिटी कोतवाली के पास की है। घटना के समय पुलिस सोती रही। छतरपुर सिटी कोतवाली से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित विश्वनाथ मंदिर में चोरों ने रात में धावा बोला। मंदिर की दान पेटी से रुपए और सोने चांदी के आभूषणों को चोरी कर ले गए। इस दौरान पुलिस कोतवाली में सोती रही। चोरों ने बड़े आराम से मंदिर की अलमारी में रखा सामान चुराया। सुबह जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी लगी वैसे ही व्यापारी और BJP के नेता मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। आज सुबह हमारे पास फोन आया जी भटकर जी का, जो यहाँ के प्रबंधक है जी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मंदिर में, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, इस अपराधी तत्व ने यहाँ पे आके मदेज का ताला तोड़ा है और दान पेटी जो है उसके उसमें से पैसे चुराए हैं जी। और करीब 40,000 रुपये यहाँ पे चोरी के लिए बताए गए हैं और जो बदले हुए प्रतिदिन बदले हुए आभूषण है माता जी के, दुर्गा माँ के, वो भी आभूषण चोरी किए गए हैं जी। तो यहाँ पर कई घंटे तक तो पुलिस नहीं आई, हम लोगों ने जब चक्का जाम किया उसके बाद पुलिस आई है। जब जब चुनाव आते हैं और जब हमारे हिंदू समाज के बड़े त्यौहार होते हैं
तो शहर में इस तरह की घटनाएं छतरपुर में खासतौर से शुरू हो जाती हैं कि यहाँ का वातावरण दूषित हो और असामाजिक तत्व उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। इसमें मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो संबंधित व्यक्ति दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाए और चोर जल्द से जल्द पकड़े जाए और बाजार का ये माहौल और शहर का ये माहौल बिगड़ने न दिया जाए। मंदिर में हंगामा बढ़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर स्थानीय कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आला पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाई। तब गश्त में लापरवाही बरतने पर कोतवाली थाने के 2 ASI और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर पुलिस ने चोरों को तलाश शुरू कर दी है। जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पुलिस ने धर दबोचा। हबीबगंज, शाहपुरा और बागसेवनिया की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए शाहपुरा थाना क्षेत्र से लाखों का जुआ पकड़ा है। आपको बता दें, इस जुए को कोई और नहीं बल्कि पुलिस कांस्टेबल सतीश शर्मा खिलवा रहा था। अपनी इन हरकतों के चलते कांस्टेबल सतीश शर्मा पहले भी सस्पेंड हो चुका है। पुलिस ने जब छापा मारा तो इस दौरान मौके से भागने की कोशिश में एक जुआरी जख्मी हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सभी जुआरियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। शाहपुरा क्षेत्र में जंगल में भारी मात्रा में लोग जुआ खेल रहे हैं। इस तरह से सामने चूनाभट्टी, हबीबगंज और बागसेवनिया शाहपुरा के पुलिस को टीम बनाकर दबिश लगाई, जिसमें 15 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 1,15,000 रुपये का जुआ पकड़ा गया है और जिनमें 10-12 उनकी मोटरसाइकिलें भी जब्त हुई हैं। उन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिन पर दिन सख्त होती जा रही है। पुलिस ने नक्सलियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जगदलपुर शहरी नक्सली नेटवर्क गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 आरोपियों को रविवार को बकावंड फॉरेस्ट नाका नगरनार क्षेत्र से गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि शहरी नेटवर्क के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। 17 मार्च 2019 को बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत थाना नगरनार के बकावंड चौकी के अंतर्गत जो अभी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया था, जहाँ पे एक पिकअप वाहन और बोलेरो वाहन, जिसको रोकने के लिए कहा गया था, तो वो गाड़ी रुक के ना तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। उसको बाद में आगे जाके पकड़ा गया और उस पर चेक करने पे पिकअप वाहन में काफ़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव, जिसमें कॉडेक्स वायर जो कि करीबन 3,000 मीटर से ज़्यादा और फ्यूज वायर जो कि 5,000 मीटर से ज़्यादा और करीबन 5,900 डेटोनेटर वहाँ से बरामद हुए। IG बस्तर विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जांच के दौरान पिकअप व बलेरो वाहन में विस्फोटक पदार्थ मिले। वाहन में बैठे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें सुबल कुमार चौधरी, नवीन जानी व मनोज तिवारी शामिल हैं। इनके कब्जे से 10 बंडल कोडेक्स वायर, सेफ्टी रस्सी, 30 बंडल व डोनेटर 5900 नग जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इनका मास्टरमाइंड सुबल चौधरी है। वाहन के आगे पिकअप व बलेरो वाहन में प्रेस लिखा है, जो एक फर्जी आईडी लेकर चलाता था। यह विस्फोटक सामग्री ओडिशा के भवानीपट्टनम से एक नक्सलियों को देने के लिए ले जाई जा रही थी व कुछ क्रशर खदान संचालकों को भी दी जानी थी। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4-5 व 38-39 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में, कहीं जाइएगा नहीं। जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। और भैया, चुनाव की घोषणा हो गई है और नेता तो ऐसे भैरन लगे। बता रू, कल एक नेताजी रात में ही ना उठ के अपनी पत्नी के पीछे छूने लगे, बोले वोट दो। रात में ही ये होने लगा है, बता रहे हैं। ऐसे भैराने लगे नेता। एक भाई साहब उठ के ना रात में भाग लिए, वो वहाँ पहुँच गए अपनी पार्टी कार्यालय, बोले टिकट दो। नींद में ऐसे घूमते हुए बता रहे हो, ये ऐसे ऐसे बेहाल लगे ये लोग। हाँ, ये होने वाला है। और बता रहे हो, जो मांगना है मांग लो इनसे। इस समय अब चुनाव आ गया है, जो मांगना है मांग लो। दारू की बोतलें जितनी मांगना है, जो पैसा वगैरह मांगना है, जो लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अभी ये दे देंगे फिर बाद में पकड़ में नहीं आएंगे। वो बता रहे हो, चुनाव है ना, ये 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव ये चरणों में क्यों होता है ये पता है तुम्हें? चरणों मतलब होता है कि पहले ये आएंगे तुम्हारे चरण छुएंगे, वोट दो। अरे उसके बाद क्या है, जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फिर तुम इनके चरण ढूंढते फिरना। हाँ, फिर इनके चरण नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ होती है। एक भैया अभी
अभी कुछ दिन पहले एक बेहतरीन किस्म का कांड हुआ, जूता कांड मालूम है। उस सांसद महोदय ने 4 सेकंड या 5 सेकंड में 7 बार जूते ढबा ढब मार दिए विधायक को। तो ये तो चल रहा है, बता रही हूँ। वो उसमें क्या है, मोदी जी का कहना है, मित्र हमने जूते को मजबूत किया है, जूता मजबूत होगा तो बूथ भी मजबूत होगा, बूथ की जगह वोट मजबूत हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा, अरे बताओ ना, जूते की फैक्ट्रियां खुलेंगे, नया स्टार्टअप होगा, मजबूत जूते बनेंगे, होगा कि नहीं होगा। इस पर राहुल गांधी का कहना है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये सरासर अन्याय है भैया, केवल जूते मारे उन्होंने, चप्पलें भी मारना चाहिए था भैया, ये अन्याय है चप्पलों के साथ। हाँ भैया, ये अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पलों को भी महत्व देना चाहिए भैया। ये तो जल लिया है भैया, और मैं बता रहा हूँ, ये जो चुनाव में खड़े होंगे नेता, इनको अपना है ना आपराधिक रिकॉर्ड देना पड़ेगा, 3 विज्ञापन देने पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ 3 विज्ञापन होगा क्या, इनके भैया अपराधों के रिकॉर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, कई मर्डर किए हैं, कईयों ने कुछ किए हैं, ये तो इसे आसान थोड़ी है इतना। और ये एक समाचार ये सुन लो भैया, कमलनाथ सरकार युवाओं को है ना बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही है भैया, वही ट्रेनिंग सीख के बैंड बजाएंगे धपा धप पी 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 पी। और मैं बता रहा हूँ कितना कॉम्पिटिशन हो जाएगा बैंड वालों में, ये बहुत सस्ती मिलने लगेंगी। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, ये जैसे इनको बैंड बजाना सिखा रहे हो, अभी आ रहे हैं चुनाव, अब देखते हैं किसका बैंड बजाती हैं, ये तो भाई चुनाव में पता लगेगा। हाँ, और ये खबर इधर भी देख लो, ये हार्दिक पटेल है ना जो, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। और मैं बता रहा हूँ, ये पटेल इनके आरक्षण के लिए इतनी आंदोलन किए, इनको भी इकट्ठा किया, पटेलों को मूर्ख बनाया, बता रहे आरक्षण वाक्षण तो मिला नहीं उनको, ये तो है ना, इनको है ना कांग्रेस में जगह मिल गई, इनको बनना था नेता और बन गए, और पटेल जाए भाड़ भी है, इनकी नेतागिरी चलेगी। ये तो ऐसा तो हो रहा है, बता रहे हूँ, ये सब चल गया है। और मैं भैया जा रहा हूँ, कोई पार्टी वार्टी देखता हूँ, चुनाव आ रही है, कोई सांसद वगैरह का टिकट मुझे ही मिल गया, क्या मैं यहीं बैठा रहूँगा? हाँ, वो आप लोग भी देखो, ट्राई तो करना चाहिए। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।